तो आ चुके हैं हम फौजी के होटल पे, पी रहे हैं लस्सी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। आपको ढाबे का रिव्यू देखिए, ढाबा मस्त है, साइड में ये कुल्ला बना हुआ है। यहाँ पे ड्राइवर लोग खाना पीना खा के दोपहर को करते हैं रेस्ट, मतलब फुली सुविधा इस ढाबे पे बहुत ही। तो भाई यहाँ है टिप्पर मार्केट, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफटीसी व्लॉग 0063। तो भाई करते हैं एक नए व्लॉग की शुरुआत नई स्टेट राजस्थान से। तो इस टाइम हम हनुमानगढ़ से पहले और बठिंडा से पार खड़े हैं ढाबे पे, बहुत सामने है ढाबा और सामने है हमारी गाड़ियाँ। जायद भैया हो रहे हैं फ्रेश, हाथ मुंह धो रहे थे, सुबह 4 बजे हम जहां आए थे नींद लग रही थी, फिर हम सो गए थे। तो भाई हनुमानगढ़ से पहले 10-15 किलोमीटर पहले हम रुके थे यहां पे ढाबे पे, यहां पे सो गए थे आगे, और अब यहां पे करेंगे हम ब्रेकफास्ट, चाय वगैरह पियेंगे, फिर यहां से करेंगे अपना सफ़र कंटिन्यू। कल वाला व्लॉग आ चुका है, जाके आप देख सकते हो। तो मिलते हैं अभी आपको कुछ देर। तो भाई खाना अपना हो चुका है मस्त, पेट भर कर, तो अभी करेंगे अपना सफ़र कंटिन्यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि डीजल शायद लीक हो रहा है ना, तो इसको करते हैं थोड़ा पल्टी मोटर लगा के दूसरी टैंकी में, क्योंकि जो ऊपर से लीक हो रहा है वो कम हो जाएगा। चलो भाई ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, मिलेंगे अभी आपको रास्ते में, करते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू। कर चुके हैं हम अपना सफर स्टार्ट, लेके नाम ऊपर वाले का। जाहिद खाना हो गया तेरा? मस्त, गाड़ी को कपड़ा मार दे चका चक करके, ठीक है। तो सुबह सुबह गर्मी का मौसम भी है और धूप भी तेज निकली, अभी क्या 8 बजे हैं, तो देखो लो धूप कितनी तेज है। आज हमारी हालत होने वाली है खराब, क्योंकि बड़े दिन के बाद हम जम्मू से आ रहे हैं। चलो जी मिलते हैं अभी आपको आगे। तो भाई पहुंच चुके हैं हम लोग हनुमानगढ़, मतलब हनुमानगढ़ से पीछे ही अभी। तो यहाँ से लेंगे हम भाई लेफ्ट साइड कनेक्टर साइड, अगर सीधा चले जाओगे बीकानेर हनुमानगढ़ सिटी के अंदर भी जाता है रास्ता, तो राइड लेंगे तो जाएगा अपना अबोर, और हमें लेना है लेफ्ट, जाना है हमको किशनगढ़। तो यहाँ पे लगा हुआ है फ्लाईओवर का काम मस्त, थोड़े देर के बाद यहाँ पे फ्लाईओवर भी चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेलवे फाटक था इसलिए यहाँ पे बन रहा है फ्लाईओवर। तो भाई बने रहे हमारे साथ, मस्त मस्त चीजों के दिखाएंगे आपको व्यू, और साथ में बताएंगे रास्ते, और कब से काम लगा ये फ्लाईओवर का, तो अभी थोड़ा ढीला ही दिख रहा है मेरे को, ये पिछले साल लगा था अभी तक चल रहा है काम भाई। तो चलो वो तो सरकारों का काम है, हमारा काम है चलना। हाँ जी भाई सवेर दे बज चुके हैं 10, राइड साड़ी कंटिन्यू चल रही है, और इस टाइम आई पहुंच चुके हैं पल्लू रावसार पार करके। जाहिद गया सो, नींदर लगी है बंदे नू,
ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਤੜਾਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਈ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਤੇ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। हेलो फ्रेंड्स, तो दोपहर के बज चुके हैं 12 और धूप इतनी तेज है ना बात मत पूछो। और इस टाइम हम हैं सरदार शहर चौक में और यहाँ से रह गया है मतलब आगे आएगा इसके बाद अब रतनगढ़। तो रतनगढ़ फौजी के ढाबे पे रुकेंगे हम, वहाँ पे करेंगे रेस्ट क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गाड़ी को भी रेस्ट देंगे। तो चलो भाई आज आपको दिखाते हैं सरदार शहर ट्रक मार्केट चलते चलते। तो भाई इस टाइम हम लोग पहुंच चुके हैं अपना रतनगढ़, यहाँ पे लगा है रोड का थोड़ा बहुत काम। भाई साहब को दिक्कत है हमसे, फाइनली पहुंचे हैं हम लोग अब रतनगढ़ चौक में। यहाँ से एक रास्ता जाता है अपना लेफ्ट साइड वाला सिक्कर, वो सीधा जाएंगे हम सुजानगढ़। अगर यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे ना जहाँ वो गाड़ी जा रही है वो सिक्कर को जाएगी, तो हमें सीधा जाना है मतलब ये सर्कल का दूसरा कट लेना है और जाएंगे हम सुजानगढ़। अगर तीसरा कट लेंगे तो वो जाएगा अपना बीकानेर। तो हमें जाना है सुजानगढ़ वाले रोड पे होकर किशनगढ़। तो ये रतनगढ़ की ट्रांसपोर्ट मार्केट जहाँ पे गाड़ियों वगैरह का काम करवाया जाता है, हर किस्म की गाड़ियों का, महिंद्रा हो, शोकलैन हो, टाटा हो, आइशर हो, कोई भी काम हो किसी भी गाड़ी का मतलब वो यहाँ पे होता है हर किस्म का। तो आगे रुकेंगे हम परमानेंट होटल जहाँ पे रुकते हैं हम फौजी के होटल पे, वहाँ पे फ्रेश होंगे, नहाएंगे धोएंगे खाएंगे पिएंगे, फिर उसके बाद अपना सफ़र दोबारा कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा गाड़ी को रेस्ट देंगे, अपने आप को भी रेस्ट देंगे, फिर उसके बाद करेंगे अपना सफ़र कंटिन्यू। तो चलो भाई ज़्यादा बातें नहीं करते हुए मिलते हैं अभी आपको सीधा जाके अपने फौजी के होटल पे। तो करते हैं अपने आप को वहाँ पे रेस्ट और गाड़ी को, तो चलो मिलते हैं वहाँ पे जाके। पहुँच चुके हैं फौजी के ढाबे पे और अपनी गाड़ी खड़ी है आगे 1963। कौन चला रहा है इसको ये मालूम नहीं हमें। तो खड़ी है अपनी गाड़ी, आ चुके हैं हम फौजी के होटल पे, पी रही हैं लस्सी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और साथ में खड़ी है यहाँ पे अपनी 1963 तरबूज लोड करके। देख सकते हो आप, तो यहाँ पे हम हो गए फ्रेश, नहाएंगे धोएंगे फिर उसके बाद चलेंगे यहाँ से। शक्ल देख सकते हो हमारी क्या हो चुकी है। ये भाई अपना ढाबा फौजी का, चुके हैं 3:30 तो करेंगे अपना सफ़र हम कंटिन्यू क्योंकि अपनी गाड़ी थी वो भी चली गई है। ये अपनी गाड़ी, अब यहाँ से निकलेंगे हम थोड़ी देर में। तो कर रहे हैं अपना सफ़र कंटिन्यू, मिलेंगे अभी आपको थोड़ी देर में। मस्त होटल है यहाँ पे, खाना पीना नहाना धोना और सोना मतलब पूरा जुगाड़ है यहाँ पे। तो अपनी गाड़ी थी 1963 वो निकल चुकी है यहाँ से, अब हम निकलेंगे थोड़ी देर में। तो करेंगे अपना सफ़र कंटिन्यू।
आपको ढाबे का रिव्यू। देखिए ढाबा मस्त है, साइड में ये कुल्ला बना हुआ है, यहाँ पे ड्राइवर लोग खाना पीना खा के दोपहर को करते हैं रेस्ट। मतलब फुली सुविधा है इस ढाबे पे, बहुत ही मस्त ढाबा है ये। अपनी गाड़ी जायद भैया खोल रहा गाड़ी को, तो चलो भाई ज्यादा लंबा नहीं करते हुए निकलते हैं, करते हैं अपना सफर कंटिन्यू। भाई गर्मी बहुत ज्यादा, थोड़ा देर और चले थे आगे ढाबे से, आगे आगे रुक गए हैं एक बड़े से पेड़ के नीचे शाइन लगा के गाड़ी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। हमने ये सोचा कि कल तो हमारी गाड़ी खाली हो नहीं सकती किसी भी सूरत, तो फिर हमने लगा ली यहाँ पे शाइन में गाड़ी, उसके बाद निकलेंगे जब थोड़ा बहुत मौसम ठंडा होगा। तो चलो मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद। आ रहे हैं अपने सुरेंद्र उस्ताद, मिले थे अभी हमको, ये भी आ रहा है खरबूजा लोड करके, हमको भी दे गया है खरबूजा, और करेंगे हम भी अपना सफर अब स्टार्ट। क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम हल्का सा ठंडा हुआ है, तो सुरेंद्र उस्ताद ने भरी है गाड़ी श्रीनगर के लिए, निकल रहे हैं सुरेंद्र उस्ताद जी। बावन तिरसठ बावन तिरसठ। तो भाई यहाँ है टिप्पर मार्केट, रतनगढ़ से थोड़ा आगे आओगे जैसे ही ट्रेन का फाटक पार करो, यहाँ पे है टिप्पर मार्केट। यहाँ पे रेता बजरी, मतलब बजरी बहुत ज्यादा मिलती है, यहाँ क्रशर वगैरह बहुत है। राजस्थान में मेन मार्केट है, ये रास्ता जाता है यहाँ से, ये ऐसे दिख रहा दूर दूर सा, यहाँ से मिलता है रेता बजरी राजस्थान में। हाय फ्रेंड्स, शाम के बज चुके हैं रात के बज चुके हैं 9, और हम लोग खड़े हैं किशनगढ़, मतलब कुचामन पार करके लास्ट टोल पे खड़े हैं। तो अब जाके गर्मी का कहीं थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, तो अभी करेंगे थोड़ा सा टायर वगैरह चेक, क्योंकि तब से निकले हुए अभी गाड़ी रोकी है हमने, तो आगे गुजराती होटल पे रुकेंगे, खाएंगे खाना वहाँ पे, फिर उसके बाद देखेंगे कि चलना है कि सोना है, वो आगे करेंगे, मतलब उसके बाद सोचेंगे। तो चलो भाई मिलते हैं अभी आपको थोड़ा देर के बाद। ये हमने मतलब इस टोल का हमने हनुमानगढ़ से पर्ची कटवाई थी 2665 रुपये की, तो यहाँ आके इस पर्ची का हो गया फाइनल काम ख़त्म। तो अब हम निकलेंगे यहाँ से, जाकर रुकेंगे गुजराती ढाबे पे, वहाँ पे खाएंगे खाना, फिर करेंगे सोचेंगे कि चलना है कि रुकना है। तो चलो भाई मिलते हैं अभी आपको सीधे जाके गुजराती ढाबे पे। भाई हम यहाँ पे खाना और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से, निकलेंगे सोएंगे देख लेंगे। तो भाई हमने डिसाइड किया है कि हम सोएंगे गुजराती ढाबे पे, सुबह उठ के चलेंगे 2 बजे स्टार्ट करेंगे अपना सफर। तो करते हैं आज के ब्लॉग का यहाँ पे एंड, और सुबह यहाँ से ही करेंगे स्टार्ट। तो भाई चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबको करते हैं गुड बाय एंड गुड नाइट। Oh, oh, oh.